वेलकम टू लाइफस्टाइल जंक्शन। आज हम बनाते हैं मुनगे और आलू की एक बेहतरीन सब्ज़ी। एक बार बनाएंगे और बार बार बनाने की इच्छा होगी और खाने की इच्छा होगी, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बनाने शुरू करते हैं इसे। इसके लिए लेंगे हम एक मिक्सर ग्राइंडर का छोटा सा जार और उसमें डालेंगे हम सरसों के दाने, वो 3 टेबलस्पून। फिर डालेंगे उसमें अदरक, लहसुन का पेस्ट और एक मिर्च। आप चाहें तो इस मिर्च की क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्का सा इसमें पानी ऐड करेंगे और एक महीन पेस्ट बना लेंगे, बिल्कुल बारीक, ठीक ऐसा। अब इसे रखते हैं अलग और आगे की तैयारी करते हैं। दो मीडियम साइज के टमाटर लेकर इसे ग्रेट कर लेना है और फिर मुनगा लेकर इसे इस तरह से छील लेना है। साइज ऑलमोस्ट यही रहेगा। आलू को छील कर इसके वेजेस काट लेने हैं। एक बोल में हम ले लेंगे 1 टेबलस्पून हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, सब इक्वल अमाउंट में, और जीरा पाउडर। अब इसमें ज़रा सा पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक घोल तैयार कर लेना है। अब इन आलूओं को डीप फ्राई करके गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करना है। सिमिलरली हमने मूंगा को भी फ्राई करना है, लेकिन इसे बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, जस्ट इतना। अब एक पैन में हम ले लेंगे तेल। इसमें डालेंगे जीरा। जैसे ही जीरा चटकने लग जाए, इसमें जो घोल बनाया था हमने मसालों का, उसे ऐड कर लेना है। फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है और इसे कुक करना है। मुश्किल से 1 से 2 मिनट के बाद वो जो हमने सरसों का पेस्ट बनाया था, उसे ऐड करना है। बिल्कुल फ्लेम को हमने लो रखना है, सबसे कम आंच पर इसे पकाना है जब तक तेल छोड़ ना दे। ये इस तरह से हो जाएगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे ग्रेटेड टमाटर। जैसे ही टमाटर तेल छोड़ने लग जाए, तेल से अलग हो जाए, तो इसमें हमने ऐड कर देना है पानी। पानी उतना ऐड करना है जितना हमें शोरबा चाहिए, जितना करी का थिकनेस चाहिए उतना। अब इसमें ऐड कर देंगे हम मुनगा जो फ्राई करके रखा था हमने अलग से, और आलू। टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक और 1 टेबलस्पून शक्कर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे डालना ज़रूरी है, तब वो टमाटर का जो खट्टापन है ना, इसे ये बैलेंस करेगा शक्कर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और कवर कर लेते हैं और पकाएंगे 5 से 8 मिनट के लिए। ये बिल्कुल तैयार हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंगली रखिए और इसे स्टीम राइस के साथ एंजॉय करिए।